फ्रेंड्स वेलकम टू निटिंग नाइफ। फ्रेंड्स आज हम न्यूबॉर्न बेबी के लिए पीकॉट बनाना सीखेंगे, पीकॉट जैकेट जो कि बहुत आसान होती है बनाने में। देखिए सबसे पहले हमने स्लीव्स बनानी है। स्लीव्स के लिए मैंने यहाँ पे 38 फंदे लिए हैं, तो आप भी 38 फंदे लेके बॉर्डर अपने हिसाब से बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये 3 कलर्स का बॉर्डर बनाया है। देखिए ये हमारी दूसरी स्लीव है जिसमें मैं आपको ये सेम हमने इसी तरह से बनानी है, तो ये पैटर्न बनाना बताऊंगी। देखिए हमारी जो फर्स्ट रो है पैटर्न की वो रॉन्ग साइड से स्टार्ट होगी। ये हमारी जो है जो बेस कलर है हमारा उससे हमने एक रो सीधी बुन ली है। अब जो पैटर्न की फर्स्ट रो है देखिए उसमें क्या करेंगे, क्योंकि रॉन्ग साइड है पहले फंदे को पर्ल वाइज स्लिप करेंगे। अब हमने बाकी 10 फंदे जो है उन्हें सीधा बुनना है, तो ये 10 स्टिचेस हम सीधे बुन लेंगे पहले। तो ये हमने 10 स्टिचेस सीधे बुन लिए हैं एक स्लिप करने के बाद। अब बाकी हमने बीच के 16 फंदे जिनमें हमने पैटर्न बनाना है उन्हें हम उल्टे बुनेंगे, तो 16 स्टिचेस को हम उल्टा बुन लेंगे। 16 स्टिचेस 16 फंदे उल्टे बुन लेंगे। देखिए फ्रेंड 16 फंदे हमने उल्टे बुन के, अब फिर से बाकी के हमारे 11 फंदे रह गए होंगे जिन्हें हमने 10 फंदे सीधे और लास्ट फंदा उल्टा बुन लेना है। 10 स्टिचेस अभी हम सीधे बुन लेंगे और लास्ट वाला जो स्टिच है उसे हम उल्टा बुन लेंगे, तो ये हम रो पूरी कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमने रो 1 कंप्लीट कर ली है। रो 2 को ध्यान से देखिएगा, पहले 11 फंदे जो हैं ये वाले इन्हें हमने सीधे बुनना है, इस तरफ से, उस तरफ से भी सीधे बुना था, इस तरफ से भी सीधे बुनेंगे। तो ये हम 11 फंदे पहले सीधे बुन लेंगे। देखिए तो ये 11 फंदे हमने सीधे बुन लिए। अब ये जो हमारे 16 सीधे फंदे थे सेंटर वाले उनमें से देखिए हमने क्या करना है, 4 फंदों को पहले हम राइट नीडर पर लेंगे और ये जो 2 फंदे हैं पीछे वाले इन्हें आगे लेकर आएंगे इस तरह से और इनको पीछे। तो हमने ये 2 फंदे जो है लेफ्ट को ट्विस्ट कर लिए हैं। अब पहले हम इन 2 फंदों को सीधा बुनेंगे, 1 2, फिर ये फंदे जो हमने ट्विस्ट किए हैं इन्हें सीधा बुन लेंगे। तो 2 फंदे हमने लेफ्ट को ट्विस्ट कर लिए। अब बीच के 8 फंदे जो हैं उन्हें हम सीधा बुनेंगे, 2 3 4 5 6 7 8, 8 फंदे सीधे बुन लिए। अब हमने ये वाले 2 फंदे जो हैं इन्हें राइट को ट्विस्ट करना है, तो देखिए कैसे करेंगे। पहले इन्हें उतारेंगे और इस तरह से आगे लेकर आएंगे। अब इन्हें पहले बुन लेंगे सीधा, 1 2, फिर इन दोनों को सीधा बुनेंगे, 1 2। तो देखिए हमने ये 2 फंदे अंदर को और 2 फंदे ये इस तरफ अंदर को ट्विस्ट कर लिए हैं। अब बाकी की रो जो है वो हम सीधी बुन लेंगे, तो ये पूरी रो हम सीधी बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए हमने ये रो सीधी बुन ली है। अब नेक्स्ट रो में हमने फिर से वही करना है, 11 फंदे जो है उन्हें सीधा बुन लेंगे, 1 को स्लिप किया, 10 और हम सीधे बुन लेंगे, उसके बाद 16 फंदे ये उल्टे बुनेंगे और फिर से 11 फंदे सीधे बुन लेंगे, तो ये पूरी रो हम ऐसे कंप्लीट कर लेंगे। तो ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब देखिए नेक्स्ट रो में हमने क्या करना है, फिर से ये इस, क्योंकि हमने यहाँ पे देखिए स्लीव्स बना रहे हैं तो हमने फंदे इस तरफ से बढ़ाने भी हैं स्लीव्स के लिए, तो देखिए हम क्या करेंगे, इस फंदे को 2 बार बुनेंगे ऐसे, दूसरे फंदे को, तो एक फंदा हमने बढ़ा लिया, बाकी के फंदे हम सीधे बुन लेंगे। जो ये हमारे 11 फंदे थे इनमें से ये सीधे बुन लेंगे, ये देखिए। अब ये जो 16 फंदे बीच वाले हैं इनमें से हमने पहले 2 फंदे सीधे बुनने हैं और अब फिर से इन 2 फंदों को हमने लेफ्ट को ट्विस्ट करना है जैसे हमने पहले किया था। तो इन 2 फंदों को पहले पीछे से आगे लेकर आएंगे ऐसे, इन फंदों को उतार लेंगे, पहले इन्हें बुनेंगे सीधा, 1 2, फिर इन 2 फंदों को बुनेंगे सीधा, 2। अब बीच में हमारे 4 फंदे रह जाएंगे सीधे, पहले 8 थे इस बार 4 रह जाएंगे,
क्योंकि दो दो हमारे साइड में चले गए हैं, ये देखिए चार फंदे। अब फिर से हमने इन दो फंदों को राइट की ओर ट्विस्ट करना है, देखिए इन्हें उतारेंगे, उन फंदों को आगे लेकर आएंगे और इन फंदों को पहले इन दोनों को सीधा बुनेंगे, वन टू, फिर इन दोनों को सीधा बुनेंगे ऐसे। अब फिर ये दो फंदे रहेंगे जो हमारे बीच के 16 हैं उनमें से दो रहेंगे, इन्हें सीधा बुनेंगे, बाकी की रो भी हम सीधी बुनकर ये रो कंप्लीट कर लेंगे। और इस रो के देखिए हमने ये लास्ट का फंदा जो है यहाँ पे फिर से हमने सेकंड लास्ट फंदे को दो बार बुनकर एक फंदा बढ़ाना है, क्योंकि हमने उस तरफ से भी बढ़ाया था स्लीव के लिए, तो एक फंदा हमने ये बढ़ा लिया। अब इस तरफ से हमने पहले 11 फंदे सीधे बुने थे, इस बार हम 12 फंदे एक फंदा स्लिप करके 11 फंदे जो है वो सीधे बुन लेंगे। तो ये 12 फंदे हम सीधे बुनेंगे, बीच के 16 फंदे हम उल्टे बुनेंगे और फिर लास्ट के 12 फंदे सीधे बुन लेंगे, तो ये रो कंप्लीट कर लेंगे। तो ये रो हमने कंप्लीट कर ली है। अब हमारे ये लास्ट रो में देखिए क्या करेंगे, फिर से इन 12 फंदों को पहले सीधा बुन लेंगे, 3, 4। तो ये 12 फंदे हमने सीधे बुन लिए। अब इस बार हम यहाँ पे चार फंदे, पहले ये वाले जो 16 फंदे थे उनमें से चार फंदे सीधे बुनेंगे और फिर से हमने इन दो फंदों को जो है वो लेफ्ट को ट्विस्ट करना है ऐसे। अब पहले फिर से इन फंदों को बुनेंगे, वन टू, फिर इन फंदों को बुनेंगे, वन टू, ये देखिए। तो इस तरफ से हमने फिर से इन दो फंदों को राइट को ट्विस्ट करना है, ये देखिए पहले इन्हें लेके आएंगे आगे, उन फंदों को पीछे ले जाएंगे, पहले इन्हें बुनेंगे सीधा, वन टू, फिर इन्हें बुनेंगे सीधा, वन एंड टू। तो ये हमने ट्विस्ट करते हुए इन दोनों फंदों को आपस में जोड़ लिया है। अब फिर हम लास्ट के जो चार फंदे हैं 16 में से उन्हें सीधा बुन लेंगे। तो ये हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है। लास्ट वाले फंदे फिर से सीधे बुन लेंगे, तो ये बाकी की रो हम पूरी सीधी बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी जो है एक जो है पैटर्न कंप्लीट हो गया है। इसी को हमने जो 6 सिलाइयां हैं बार बार रिपीट करते जाना है और साथ में हमने हर पांचवी सिलाई में इस तरफ से एक और इस तरफ से एक फंदा भी बढ़ाते जाना है। तो इतना हम तब तक कर लेंगे जब तक देखिए हमने यहाँ पे 16 11 से शुरू किया था और ऊपर हमारे पास यहाँ पे 24 फंदे जब तक ना हो जाए, यहां तक हमारे 24 फंदे हो जाएंगे, 24 16 24, तो 24 16 24 जब तक नहीं हो जाएंगे हमारे फंदे, तब तक हम ये पैटर्न जो है 6 सिलाइयां इन्हें बार बार रिपीट करते जाएंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे 3 3 2 2 1 1 करके जो है फंदे घटा लेने हैं, जैसे हम आर्म होल की कटिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, इतना आप कंप्लीट कर लीजिएगा दोनों स्लीव्स के लिए, फिर मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट स्टेप्स की, किस तरह से हमने पीकॉट जो है वो बनाना है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय, टेक केयर। अब हम इसका बैक और फ्रंट पैनल्स बनाएंगे जो कि बिल्कुल सीधे बनेंगे। तो देखिए, पहले हम स्लीव्स के बाद जो है एक पैनल बनाना सीखते हैं, फिर हम दूसरा पैनल और जो बैक है वो आसानी से बना पाएंगे। देखिए, स्टार्टिंग हमने सब में एक जैसे ही करनी है। यहाँ पे हम दूसरा कलर यूज कर रहे हैं, आप चाहें तो आप बॉर्डर अपने हिसाब से कोई भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये एक एक सिलाई जो है दो कलर्स की और यूज की है। तो ये हमने पूरी रो सीधी बुन लेनी है दूसरे कलर से। ये हमने 40 स्टिचेस सीधे बुन लिए हैं। अब इस तरफ से भी हमने इन्हें सीधा बुनना है। तो इस तरफ से भी हमने ये 40 फंदे जो है वो सीधे बुन लेने हैं। तो देखिए, ये हमने दो सिलाइयां सीधी बुन ली। अब तीसरे कलर से भी हमने ये दो सिलाइयां जो है वो सीधी बुन लेनी है। ये हमने डिजाइनिंग के लिए किया है, आप चाहें तो आप सिंगल कलर से भी सारा बना सकते हैं। तो ये वाली रो और नेक्स्ट रो भी हम सीधी बुन लेंगे। अब दो सिलाइयां, तो
तो देखिए हमने ये भी दो सिलाइयां सीधी सीधी बुन ली हैं। अब हमने अपने बेस कलर से 8 सिलाइयां, 8 रोज जो है वो सीधी सीधी बुनते जाना है। ये कलर्स हम यहीं पे बंद कर देंगे, काट लेंगे धागा, क्योंकि हमें अभी आगे नहीं यूज करने हैं। 3, 4, तो ये हम टोटल 8 रोज, एक बार सीधी उल्टी 4 बार हुआ, ऐसे ही 4 बार और सीधी उल्टी, तो टोटल 8 सिलाइयां हमने ये पहले सीधी सीधी बना ली। ये देखिएगा 8 रोज, 8 सिलाइयां हमने ये अब सीधी सीधी बना ली है। अब यहाँ पे हमने इस तरफ को पॉकेट बनानी है, उसके लिए हम पहले 20 फंदे जो है वो सीधे बुनेंगे, और हमेशा गार्टर स्टिच यानी कि जो दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनते हैं उसका पहला फंदा हमने इस तरह से जैसे उल्टा बुनते हैं ऐसे स्लिप करना है, तो ये हमारा एज जो है वो स्मूथ आता जाएगा। अब हमने बाकी के फंदे 19 जो है वो सीधे बुन लेने हैं, तो टोटल 20 फंदे हमारे ये सीधे हो जाएंगे। तो पहले हम ये 20 स्टिचेस सीधे बुन लेंगे, तो ये हमने 20 फंदे सीधे बुन लिए। अब अगले जो हमारे फंदे हैं 18 फंदे हमने, देखिए एक बार सीधा बुनेंगे इस फंदे को, एक बार बैक लूप से बुनेंगे, थोड़ा टाइट करके बुनना है, एक बार सीधा एक बार बैक लूप से। तो इस तरह से हमने 18 फंदों जो है उनको दो दो बार बुनकर डबल कर लेना है। एक बार फिर से देखिएगा, एक बार इस तरह से सीधा बुनेंगे, एक बार बैक लूप से, तो 18 स्टिचेस जो है वहां तक हम ये रिपीट करते जाएंगे। तो देखिए 18 फंदों को हमने डबल कर लिया है, लास्ट के दो फंदे हम फिर सीधे बुन लेंगे, 1 और 2। अब देखिए नेक्स्ट रो में क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ये दो फंदे तो हम सीधे बुन लेंगे, 1, 2। अब ये जो हमने फंदे बढ़ाए हैं पॉकेट के लिए, हमने क्या करना है, एक स्टिच होल्डर लेना है, और एक फंदा जो है ये हमने एक का जो दो किया था, एक फंदा हम स्टिच होल्डर पे उतारेंगे, फिर एक फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर से एक फंदे को स्टिच होल्डर पर उतारेंगे और एक फंदे को सीधा बुनेंगे। तो ये हमने जितने फंदे डबल किए हैं सब में यही करना है, यानी 18 स्टिचेस को हमने इसी तरह से उतार कर और इस तरह से सीधे बुनते जाना है। तो हम ये 18 स्टिचेस जो है पहले इस तरह से उतार लेंगे। ये देखिए 18 स्टिचेस को हमने जो है वो सेफ्टी पिन पे उतार लिया है, स्टिच होल्डर पे उतार लिया है, और बाकी को हमने सीधे बुन लिया है। अब हम बाकी रो भी पूरी सीधी बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए हमने ये रो पूरी कंप्लीट कर ली है, और ये जो हमने स्टिचेस सेफ्टी पिन पे उतारे हैं, स्टिच होल्डर पे उतारे, इन्हें ऐसे ही रहने देंगे। और ये हमारे टोटल 40 ही स्टिचेस हैं, 40 फंदे हैं, इनकी हमने 10 सिलाइयां और बुन लेनी है। 10 ये हो चुकी हैं, 10 और बुनेंगे, उसके बाद हमने यहाँ पे बटन होल्स रखने हैं, तो 10 रोज और हम सीधी सीधी बुनकर पहले कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिएगा 10 सिलाइयां हमने और बना ली, टोटल 20 सिलाइयां हो गई हैं ये हमारी इस कलर की। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, बटन होल बनाना है। देखिए दो बटन होल्स बनाएंगे एक ही रो में, पहले एक फंदा स्लिप करने के बाद एक फंदा सीधा बुना, धागा आगे लेकर आएंगे, दो फंदे एक साथ बुनेंगे ऐसे। तो ये हमारी जाली बन गई है। अब 8 फंदे सीधे बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 स्टिचेस बुनने के बाद फिर से धागा आगे लेकर आएंगे और दो फंदे एक साथ सीधे बुन लेंगे, तो एक जाली और यहाँ पे बन गई। बाकी की रो हम पूरी सीधी बुन लेंगे, तो ये रो कंप्लीट कर लेंगे सीधी बुनकर। तो फ्रेंड्स ये रो हमने सीधी बुन ली है। अब इस तरफ की सीधी रो बुनने के बाद हमने जो है फिर से 10 रोज 10 सिलाइयां और सीधी बुन लेनी है, तो इतना पहले हम कंप्लीट कर लेंगे। बटन होल्स हमने अभी रख लिए हैं, अब हमने कोई बटन होल नहीं रखना है, 10 सिलाइयां हमने ऐसे ही फिर से सीधी सीधी बना लेनी है पहले। ये देखिए फ्रेंड्स 10 रोज हमने और बुन ली 10 सिलाइयां। अब हमने यहाँ पे फिर से 20 फंदे जो है सीधे बुन लेने हैं पहले, 1, 2, 3, तो 20 फंदों तक पहले हम सीधा बुन लेंगे। तो देखिए हमने ये 20 स्टिचेस 20 फंदे जो है वो सीधे बुन लिए। अब ये हमारे पॉकेट वाले फंदे हैं, इन्हें हमने कास्ट ऑफ कर देना है। देखिए पहले एक फंदा बुना, दूसरा बुनकर
पहले वाले को ऊपर से पास कर दिया, फिर अगला फंदा बुना और इसे ऊपर से पास कर दिया। तो इस तरह से हमने ये पूरी रो में जो 18 फंदे हमारे 18 स्टिचेस जो थे पॉकेट के वो कास्ट ऑफ कर लेने हैं। ये देखिए 18 फंदे हमने ये कास्ट ऑफ कर लिए हैं, दो फंदे हमारे बाकी के जो है वो नीडल पर रह जाएंगे। अब हमने ये फंदे जो हमने पिन पे उतारे थे, स्टिच होल्डर पे उतारे थे, इन्हें हमने नीडल पर ले लेना है। तो ये सारे फंदे 18 स्टिचेस को हम सिलाई पे ले लेंगे पहले। तो ये हमने नीडल पर उतार लिए हैं। अब जितनी सिलाइयां हमने ये बुनी है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 2 से 22 22 सिलाइयां हमने ये बुनी। उसके बाद हमने फंदे कास्ट ऑफ किए हैं, तो यहाँ पे भी हमने अलग से एक धागा लगाकर 22 सिलाइयां जो है ये देखिए सीधी सीधी बुन लेनी है। इसके लिए हमने अलग से छोटा सा धागा एक और लगा लेना है। ऐसे तो ये 18 फंदे जो हैं इनकी हमने 22 रोज 22 सिलाइयां सीधी सीधी गार्टर स्टिच से बना लेनी है पहले। ये देखिए हमने ये उतनी ही सिलाइयां जितनी ये थी उतनी बना ली है, 22 रोज। अब हमने ये देखिए यहां से पहले तो ये दो फंदे बुनेंगे, ऐसे, फिर उसके बाद ये वाले फंदे उतार लेंगे। यही 18 हमने जो थे कास्ट ऑफ किए थे यहाँ पे, यही 18 हमने यहां से उठा लिए। तो ये सारे 18 के 18 18 फंदे पहले हम ये बुन लेंगे। ये देखिए 18 फंदे ये बुन लिए। अब बाकी के हमने जो इस रो में थे फंदे वो बुन लेंगे 1 2। तो पहले ये सारे फंदे बुनकर कंप्लीट कर लेंगे ये सिलाई। तो ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। ये देखिए यहाँ पे हमारी ये पॉकेट बन गई है। साइड से हमने इसे सुई से नीडल से स्टिच कर लेना है, तो ये हम बाद में कर लेंगे। अभी देखिए हमने इसको क्या करना है, ये हमने दो बटन होल्स बनाए हैं। अब 20 सिलाइयां यहाँ पे जब हो जाएंगी, अभी ये हुई है 2 4 8 16 हुई है, 16 हुई है, जब 20 हो जाएंगी फिर हमने यहाँ पे दो बटन होल्स बनाने हैं। उसके बाद फिर से 20 हो जाएंगी तब दो बटन होल्स बनाने हैं। तो इतना अभी हम पहले कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारी 66 रोज जो है 66 सिलाइयां यहां से लेकर यहां तक बन गई है। बीच में हमने दो दो बटन होल्स रखे हैं 20-20 सिलाइयों के गैप में। अब देखिए इतना ही हमारा ये दूसरे पैनल में भी ये 66 यहां से 66 सिलाइयां हैं, बैक में भी हमारे यहां तक 66 सिलाइयां हैं 66 है। तो अब हम इस पैनल की इस तरफ से आर्म होल कटिंग करेंगे। तो उसके लिए हम इस साइड से पहले सारी ये वाली रो जो है वो सीधी बुन लेंगे। तो ये हमने रो पूरी सीधी बुन ली। अब इस तरफ से हमने, क्योंकि हमारी रॉन्ग साइड है तो हमने जैसे उल्टा बुनते हैं, तीन फंदे पर्ल वाइज इस तरह से कास्ट ऑफ कर लेंगे। एक बुना दूसरे को ऊपर से पास कर दिया, फिर एक बुना दूसरे को ऊपर से पास कर दिया, फिर एक बुना दूसरे को ऊपर से पास कर दिया। बाकी की रो हम सीधी बुन लेंगे, बाकी फंदे हम सीधे बुनकर कंप्लीट कर लेंगे ये रो। तो ये हमने सीधे बुन लिया। अब फिर से इस तरफ से हमने इन फंदों को सीधा बुन लेना है। तो ये पूरी रो ये सीधी बुन लेंगे। ये हमने पूरी रो सीधी बुन ली है। अब इस तरफ से पहले हमने तीन फंदे कास्ट ऑफ किए थे, इस बार हम दो फंदे कास्ट ऑफ करेंगे, टू स्टिचेस को कास्ट ऑफ कर देंगे 1 एंड 2। बाकी की रो फिर से हम सीधी बुन लेंगे। उसके बाद हमने फिर से सीधी बुनने के बाद एक फंदा और कास्ट ऑफ करना है फिर। तो देखिए हमने एक फंदा और कास्ट ऑफ कर लिया है। अब हमारे पास 34 स्टिचेस हैं, 34 फंदे हैं, जिसकी हमने 44 रोज 44 सिलाइयां अब सीधी सीधी बना लेनी है। तो इतना पहले कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन बीच में हमने 20-20 सिलाइयों के गैप में दो दो बटन होल्स भी बनाने नहीं भूलने हैं। तो ये कंप्लीट कर लीजिएगा।
तो ये हमने 44 रोज बना ली है और अब हमारा ये राइट पैनल जो है बनकर तैयार हो गया है। अब हमने लेफ्ट पैनल के लिए बिल्कुल ऐसे ही 40 फंदे कास्ट ऑन करने हैं और ये प्लेन लाइंस बनाकर 66 सिलाइयां 66 रोज जो है वो बेस कलर से बना लेनी है सीधी सीधी। पर बटन होल्स नहीं रखेंगे, आप चाहें तो आप पॉकेट रख सकते हैं। तो ये पहले हम बना लेंगे। तो ये हमने 66 रोज 66 सिलाइयां जो है वो सीधी सीधी बना। अब देखिए यहाँ पे हमने किस बात का ध्यान देना है, यहाँ पे हमने जो है बटन होल इस तरफ को बनाया है। ये देखिए ये हमारा राइट साइड है, ये भी राइट साइड है वर्क की। तो इस बार इसका हमने बटन होल जो था वो इस तरफ को बनाना है, ये ध्यान रखना होगा। 3-2 एक करके फंदे हमने इस तरफ से कास्ट ऑफ करने हैं। तो अभी हम ये फंदे देखिए कैसे कास्ट ऑफ करेंगे। पहले हम एक फंदा स्लिप करेंगे, अगला फंदा सीधा बुनेंगे और इसे ऊपर से पास कर देंगे। तो जैसे हमने उस तरफ से किया था वैसे ही हमने इस तरफ से करना है। आपको डायरेक्शंस का ध्यान रखना पड़ेगा, साइड्स का ध्यान रखना पड़ेगा, वरना आपका जो है पूरा पैटर्न गलत हो सकता है। ये हम 3-2-1 करके अब फंदे फिर से कास्ट ऑफ कर लेंगे। उसके बाद हमने 44 सिलाइयां फिर से सीधी सीधी बना लेनी है, 44 रोज। ये हमने 44 रोज बना ली है। ये हमारी रॉन्ग साइड है और धागा हमारा इस तरफ को रहेगा। ये देखिए ये हमारी राइट साइड है। अब हम बैक बना लेंगे। देखिए मैंने बना ली है बैक बिल्कुल जैसे हमने फ्रंट बनाया है। 60 स्टिचेस हम कास्ट ऑन करेंगे, 60 फंदे डालेंगे, क्योंकि देखिए हमारे ये ओवरलैप होंगे यहाँ पे पैनल्स, तो इसलिए हमने 60 फंदे और 40-40 40-40 और 60 स्टिचेस लिए हैं। उसके बाद 3-2-1 करके ये 64 सिलाइयां 64 रोज बुनने के बाद हमने ये 3-2-1 करके फंदे कास्ट ऑफ कर लिए। फिर हमने ये 44 रोज 44 सिलाइयां और बना ली है। हम हमारे वर्क की राइट साइड है और ये हमारा राइट पैनल है। देखिए इसको हमने यहाँ से इस तरह से अटैच करना है। तो ये शोल्डर्स जो है हम थ्री नीडल बाइंड ऑफ जो टेक्निक होती है उससे इन फंदों को हम कास्ट ऑफ कर लेंगे। ये देखिए जो हमारा वर्किंग थ्रेड है, ये देखिए इसी से हमने इसको कास्ट ऑफ करना है। तो ये दो फंदे हम एक साथ बुनेंगे इस तरह से, फिर अगले दो फंदे एक साथ बुनेंगे और जो पहले बुना है उसको हम ऊपर से पास कर देंगे। तो इस तरह से हमने ये एक बार हो गया। तो इस तरह से हमने टोटल 15 फंदे जो है वो बाइंड ऑफ कर लेने हैं। तो देखिए हमने ये 15 फंदे बाइंड ऑफ कर लिए हैं। इस तरफ से हमने 15 फंदे जो है काउंट करके मार्क कर लेने हैं पहले। तो ये फंदे हमने मार्क कर लिए, देखिए 15 इस तरफ से। अब ये जो एक फंदा है इसे भी हम वापिस ले लेंगे नीडल पर ऐसे, और जो मार्कर है उससे पहले के फंदों को हमने सीधा बुन लेना है। ये देखिए तो मार्कर तक हम ये सीधे बुन लेंगे पहले। देखिए मार्कर तक हमने ये सीधे फंदे बुन लिए हैं। अब हम दूसरा अपना पैनल लेंगे और इसके हमने 15 फंदे रख लेने हैं, बाकी के फंदे हम इस नीडल पर उतार लेंगे। तो 15 हम इस नीडल पर रखेंगे, बाकी उतार लेंगे। ये देखिए 15 हमने ये रख लिए हैं। अब हम इन 15 को भी वैसे ही बाइंड ऑफ कर लेंगे। देखिए तो इस सिलाई की हेल्प से हम इनको भी वैसे ही बाइंड ऑफ कर लेंगे शोल्डर्स को। तो देखिए हमने इन्हें बाइंड ऑफ कर लिया है। अब ये वाले फंदे भी हम इसी नीडल पर ले लेंगे, एक ही सिलाई पे हम सारे फंदे ले लेंगे अब। तो ये हमने सारे फंदे एक ही नीडल पर ले लिए हैं। 58 के करीब फंदे हैं, एक दो फंदे आगे पीछे हो सकते हैं, कम या ज्यादा हो सकते हैं। अब देखिए ये हम यहाँ से अपना हुड बनाना शुरू करेंगे। हुड के लिए देखिए हमने क्या करना है, ये हमारे फ्रंट पैनल्स हैं दो, ये इतनी इतनी हमारी बैक है। जो फ्रंट पैनल्स है देखिए फर्स्ट स्टिच को स्लिप करेंगे। अब हम तीन फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3। फोर्थ को हमने दो बार बुनना है तो एक फंदा यहाँ पे बढ़ा लेंगे, फिर से तीन फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3। फिर से फोर्थ को दो बार बुन लेंगे। तो इस तरह से हमने ये जो पैनल वाले फंदे हैं चौथा चौथा फंदा बढ़ाते जाना है, फोर्थ स्टिच को इंक्रीज करते जाना है। तो ये हमने फंदे बढ़ा लिए हैं। अब ये हमारे बैक वाले फंदे हैं इतने से, इनमें हमने एक एक फंदे को सीधे बुनना है और एक एक फंदे के दो करते जाना है, यानी कि हर दूसरे फंदे को हमने बढ़ाते जाना है। बैक में हम ज्यादा फंदे बढ़ा रहे हैं, ये देखिए
फिर एक सीधा बुनेंगे, फिर दो फंदों को, फिर एक फंदे को दो बार बनाकर दो फंदे बना लेंगे। तो ये हम बैक के फंदे जो है यहां तक ऐसे बना लेंगे। तो बैक के फंदे हमने इस तरह से बढ़ा ली। अब फिर से इस तरफ के जो पैनल है, फिर से यहाँ पे तीन फंदे बुनने के बाद फोर्थ जो स्टिच है, चौथा जो फंदा है, उसको दो बार बुनकर यहाँ पे हर चौथा फंदा बढ़ाते जाएंगे। तो ये हम पूरी रो में इसी तरह से बनाकर कंप्लीट कर लेंगे आप। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे पास ये 76 जो है स्टिचेस हो गए हैं, 76 फंदे हो गए हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने हुड बनाने के लिए 74 से लेकर 76, 74 से लेकर 76 तक सिलाइयां जो है सीधी सीधी बनाते जाना है अब। तो ये हमने 76 रोज 76 सिलाइयां जो है यहां तक बना ली हैं। ये हमारा हुड बन गया है। अब जितने हमारे फंदे हैं, मान लीजिए अगर 80 हैं, तो उसमें से 40 यानी 40 फंदे, 80 में से हमने पहले सीधे बुन लेने हैं। यानी कि जितने हमारी सिलाई पे फंदे हैं उसके आधे फंदे हम पहले सीधे बुन लेंगे। ये देखिए हमने ये हाफ तक बुनकर इसे इस तरह से फोल्ड करना है। ये हमारी रॉन्ग साइड, ये वाली राइट साइड है, ये रॉन्ग साइड है बाहर की तरफ को। तो इन फंदों को अभी हम ग्राफ्टिंग से या फिर तीन सिलाइयों से बंद कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने हुड को ज्वाइन कर लिया है। अब हमने यहां से पॉकेट को स्टिच कर लेना है। देखिए दोनों साइड से जो हमने ऊपर रखा था, ये राइट साइड से पॉकेट बन जाएगी। इसके अलावा हमने स्लीव्स अटैच कर लेनी है अब। और ये देखिए स्लीव्स अटैच कर लेंगे, साइड्स जोड़ लेंगे और बटन्स लगा लेंगे। तो अभी हम इसको कंप्लीट कर। फ्रेंड्स, हमारा ये हुड भी बन गया है और बटन्स भी अब लगकर तैयार हो गए हैं। तो आप इसे जरूर एक बार ट्राई कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस टाइम। बाय बाय, टेक केयर।